हेलो जी, राधे कृष्णा, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो मैं जा रही हूँ आंवले लाने। देखिए, मैंने थैली ली है यहाँ पर, और हमारे यहाँ पर ऊपर पहाड़ों में नहीं होते आंवले, तो दूर दूर होते हैं यहाँ से, तो 2-3 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। और ये ऊपर है ताए ससुर जी के घर। मुझे घर से ध्यान नहीं आया, मैं ऐसे आ गई जल्दी जल्दी में। तो अब मिलती हूँ आपके साथ वहाँ पर ही, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा रास्ता है तो दूर जाना पड़ेगा। तो ये देखिए मैं कहाँ पहुँच चुकी। जो ऊपर जैसे घर दिखाई दे रहे हैं, ये है ताए ससुर जी के, और मैं आ चुकी हूँ वार वाली पहाड़ी में। तो इतनी दूर आ गई हूँ, अभी और भी आगे जाना पड़ेगा। ये है चारों ओर का नज़ारा। यहाँ पे पार जैसे लकड़ियाँ काटते हैं, उनके कांटे जला रहे हैं। और आकाश में फिर से बादल छा गए और फिर से बारिश हो सकती है। तो 3-4 दिनों से तो बहुत बुरे हाल थे, और मैंने सोचा कि आज आंवले ले आते हैं, क्योंकि फिर यहाँ पर कम होते हैं तो और लोग भी ले जाते हैं। तो ये देखिए है यहाँ पर आंवले, और मैं पहुँच चुकी हूँ आंवले के पास। तो अब निकाल लेती हूँ। पर चढ़ चुकी हूँ आंवले के पेड़ में, और ये जो मैंने झोली जैसी ली है हाथ में, तो जैसे अचार के लिए आंवले पेड़ से ही निकाले तो अच्छा रहता है। जैसे हम ऐसे निकालते हैं और बाद में इकट्ठा करते हैं, डंडे के साथ निकालते हैं, या फिर ऐसे पेड़ को हिला करके निकालते हैं, तो उससे हमारा अचार ख़राब होने का डर रहता है। तो मैंने झोली जैसी ली थी हाथ में, और मैं पेड़ से ही इसमें निकाल रही थी, क्योंकि फिर अचार ख़राब होने का डर नहीं रहता। ऐसे हमारे आंवले नीचे गिर करके फिर उनमें दाग जैसे लग जाते हैं। तो पेड़ से ही मैं अचार के लिए पेड़ से ही निकाल लूँगी अचार लायक, और फिर बाद में ऐसे झाड़ूंगी डंडे से। तो 2 झोलियाँ ली थी मैंने हाथ में, और एक में मैं तोड़ करके डाल रही थी और दूसरी मैंने ऐसे रखी थी पेड़ पर, क्योंकि फिर नीचे उतरना और फिर से वो करना तो मुश्किल हो जाता है। और ऐसे इतना ऊंचा पेड़ नहीं है, और चढ़ने उतरने को भी आसान है, पर इसकी टहनियाँ पतली पतली सी थी तो टूटने का डर रहता है। तो यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ इस झोली में ही, और उसके बाद मैं इसको नीचे पकड़ाऊँगी, और उसके बाद फिर ऐसे डंडे से झाड़ लूँगी।
तो अब मैं पेड़ से उतर गई नीचे, और ये मैंने ऐसे निकाले जो ऊपर पेड़ में ही निकाले, और कुछ मैंने डंडे से वो किए, तो ये है यहाँ पर नीचे। देखिए अब इनको भी इकट्ठे कर लेती हूँ, ये देखिए। और आधे अभी पेड़ में है तो इतने से ही निकाले मैंने, क्योंकि फिर ले जाना भी मुश्किल होते हैं घर के लिए। तो चलिए आज मैं दिखाती हूँ आपको मोर। देखिए कितने सारे थे खेत में, और यहाँ पर हमने बीजे थे जौ और थोड़ी सी सरसों, तो हाथों से ही बीजे थे जौ। और तो यहाँ पर जंगल का किनारा है, अनेकों जानवर रहते हैं यहाँ पर, तो फसल बीजने का मन भी नहीं करता, पर फिर ऐसा सोचते हैं कि जो हमारी किस्मत में होगा वो हमें मिल जाएगा। देखिए कितने चारों तरफ से जा रहे थे, पर ये तीन ही मैंने कैप्चर किए क्योंकि मैं आई थी तो खेत ये में। हमारा यहाँ पर टमाटर का खेत है, और अब ट्रैक्टर भी इस बारी नहीं आया यहाँ पर, तो हम हाथों से ही इसकी बिजाई कर रहे हैं जौ की, और नहीं होगा तो गायों के लिए हो जाएगा थोड़ा बहुत। तो ये बीज रखे हैं यहाँ पर, जौ बीज दिए हैं, और अब हाथों से ही इसको मिट्टी को मिट्टी की खनाई करेंगे। ये टमाटर का खेत था यहाँ पर, तो तो इसी तरह से पूरे खेत की खनाई की, और यहाँ पर जहाँ पर टमाटर लगाए थे उस खेत में हमने बीजी जौ थोड़े से, क्योंकि ऐसे ही हाथों से किया मिट्टी को इधर उधर, क्योंकि अब ऐसे भी फसल का टाइम चला गया है, और नहीं तो गायों के लिए हरा चारा हो जाएगा। ऐसे ही बीज दिया, और आधे में हमने जौ बीजे और आधे में सरसों बीजी। तो यह है शाम का नज़ारा हमारे पहाड़ों का, और यह खेत में आड़ू का पेड़। तो देखिए यहाँ पर बीज दिया, और अब गायों के लायक तो हो ही जाएगा। ऐसे तो यहाँ पर जंगल का किनारा है, जंगली जानवर खा देते हैं, पर चलो जो हमारी किस्मत में होगा वो हमें मिल जाएगा, और जो उनकी किस्मत में होगा बरखल। तो आंवले लेकर मैं आ गई थी घर में, और फिर मैंने पशुओं का काम किया, उनको पानी वगैरह पिलाया, घास दिया, और अब चली हूँ मैं घास लाने। ये है मेरे पास रस्सी और दराटी, क्योंकि बारिश का मौसम बना था तो वीडियो वाडियो मैंने नहीं बनाई, क्योंकि जल्दी जल्दी मैं आ गई, और पशुओं का भी डर था भीगने का। बारिश की बूंदे लग गई थी मुझे, जहाँ पर मैं गई थी आंवले लाने वहाँ पर ही, तो मैं जल्दी जल्दी से आई और पशुओं को अंदर किया, और उसके बाद फिर बारिश ऐसी हो गई, मतलब थोड़ी बहुत बूंदे लगी और उसके बाद नहीं लगी, तो मैंने सोचा कि घास के पुल्ले ही ले आती हूँ, क्योंकि इतने दिन बारिश रही तो फिर घास भी अब ख़त्म ही होने वाली है जो अंदर स्टोर की थी, तो मैं जा रही हूँ घास लाने के लिए। और अब मैं यहाँ पर काट लूँगी घास, और ऐसी है कांटों के बीच में मुश्किल होता है घास काटना, तो मैं काट लेती हूँ जल्दी जल्दी से। देखिए बारिश ऐसा लग रहा है कि लगने ही वाली है अब, और कितने बादल छाए हुए हैं, तो अगर हम दो पुल्ले भी ले जाते हैं वो भी ऐसी बारिश में ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि बारिश के लिए घास चाहिए होता है हमें पहाड़ों में। तो मैं यहाँ पर काट लेती हूँ जल्दी जल्दी से घास। तो घास काटते काटते मुझे लग गई बारिश, और फिर मैंने घास का एक दो पुल्ला काटा और उसको घर में रखा,
और उसके बाद में आ गई हरा चारा लेने, तो ये मैंने यहाँ पर छीन लिया है हरा चारा, क्योंकि हरा चारा भी खत्म हो चुका है, अब थोड़ा बहुत रहा है। जैसे छोटी छोटी पौधे हैं उन्हें उनसे ही पत्ते निकालते हैं, तो ये पत्ते मैंने यहाँ पर निकाल दिए है। और बारिश लगी है, देखिए आपको आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी बारिश की। तो मैं फटाफट से इसको इकट्ठा कर लूँगी और उसके बाद जाऊँगी घर, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा लगी है और अंधेरा भी होने वाला है। तो मैं कर लेती हूँ इसको जल्दी जल्दी से इकट्ठा। तो ये लगा दी मैंने घास की गड्डी और अब जाऊंगी मैं घर। ये झुमटी ले आई थी मैं सिर के ऊपर रखने के लिए, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बारिश लगी थी तो भीगने से आजकल एकदम बीमार हो जाते हैं, तो हाथ तो ठंडे हो गए देखिए हाथों के हाल। पर चलो घर में जा कर के आग सेकते हैं और अब मैं जा लेती हूँ घर। तो ये देखिए गाड़ी मैंने उठा दी है सिर के ऊपर और अब मैं जल्दी जल्दी चले जाऊंगी घर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लगी हुई है और ऐसे झाड़ियों के बीच से जाना भी मुश्किल होता है और जंगल में ऐसे भी डर लगता है, क्योंकि अगर अकेले हो तो ज़्यादा डर लगता है, अगर दूसरा भी हो कोई साथ में तो सहारा रहता है। तो अब मैं जा लेती हूँ घर और यहाँ से ऐसे झुक झुक के जाना पड़ेगा। तो मैं आ गई हूँ घर में और घास को रख लेती हूँ अंदर, ये रख दिया मैंने यहाँ पे घास, और अभी इसका पानी निकलता रहेगा और सुबह देने के लिए अच्छा हो जाएगा गायों को। तो जब मैं पहले गई थी घास लाने तो बारिश लगी और मैं जल्दी जल्दी से घर में आ गई, और फिर एक पूला काटा था मैंने घास का तो ये यहाँ पर रखा, और फिर बाद में बारिश बंद हो गई तो मैं फिर से गई कि अब घास तो गिल्ली हो गई और पशु बीमार होने का डर रहता है गिल्ली घास से, तो फिर मैं ये लाई कचनार की पत्तियाँ गायों के लिए। और बाहर लगी है बारिश, ये देखिए बारिश लगी हुई है बाहर। तो अब मैं भी आग सेक लेती हूँ चूल्हे के पास जा करके। तो अब मैं आ गई हूँ चूल्हे के पास और आग भी सेकी और उसके बाद बनाया पुलाव। तो ये है महा की खिचड़ी और मशरूम भी डाली थी इसके बीच में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय लेने के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे किसी नए वीडियो।